अध्याय 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूरतों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यद्वाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं?
तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं।